मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है हमारी हिंदी संशोधन कार्यपत्रक यानी कि हिंदी वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट है ये हमारी चैप्टर 6 और 7 की, ठीक है। और डेट है हमारी 14 सितंबर, दिन है हमारा मंगलवार। ये हमारी होम वर्कशीट नंबर 65 है फॉर क्लास 2। चलिए अब हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं पार्ट 6 और 7 का, ठीक है। पहले हम पार्ट 6 और 7 कर चुके हैं, तो हमें है ना बस उसको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन फिल आउट करेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आया है इस चैप्टर में। आपको अगर कुछ कमी रहे तो आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या है, रिक्त स्थान भरने हैं। एक दिन गांव की ओर से एक डैश पुल पर आया, बिल्ली या कुत्ता। तो आप पाठ को पढ़ेंगे तो क्या आया था, एक दिन कुत्ता। पुल के एक ओर दो डैश बहुत देर से खड़े थे, दो गायें या आदमी। तो आदमी। दीनू के खेतों में भरपूर डैश पैदा नहीं होता था। जो दीनू था किसान, उसके खेतों में क्या पैदा नहीं होता था, अब फल तो पैदा होंगे नहीं, तो अन्न। दीनू डैश पाने को उत्सुक था, फल या खजाना। खजाना, क्योंकि दीनू को अमीर बनना था ना, तो इसलिए वो खजाना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मिलान कीजिए। आपको मिलान करने हैं, ये शब्द दे रखे हैं और ये इनके अर्थ हैं, आपको सही अर्थ से इनका मिलान करना है। महात्मा, महात्मा को और क्या बोलते हैं, साधु। खुशहाली, खुशहाली को प्रसन्नता भी बोलते हैं। जब आप खुश होते हैं तो प्रसन्न होते हैं ना, तो उसका ही पर्यायवाची शब्द है। समाप्त, समाप्त होता है ख़त्म। तलाश, तलाश होता है खोज। अवश्य, अवश्य यानी जरूर। सहयोग, सहयोग क्या होता है, तालमेल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्दों में से शुद्ध व अशुद्ध शब्द अलग अलग छांट कर लिखिए। आपको शुद्ध और अशुद्ध ये अलग अलग कॉलम बने हैं, इसमें से ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको शुद्ध है तो इस वाले कॉलम में, अशुद्ध है तो इस वाले कॉलम में। शुद्ध मतलब जो सही है, अशुद्ध मतलब गलत है। उपाय, उपाय सही लिखा है तो हम ये शुद्ध है तो यहाँ पे लिख देंगे उपाय। आँखें, आँखें सही लिखा है तो यहाँ पे आँखें लिख दें। खुशी, ये खुशी होता है, खुशी लिखा है तो ये गलत है तो यहाँ पे लिख देंगे अशुद्ध में। अबस्त, अबस्त नहीं व्यस्त होता है तो अव्यस्त, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे अशुद्ध है। प्रसन्न, प्रसन्न ऐसे ही लिखा जाता है तो ये शुद्ध है यहाँ पे लिखा। कृपा, कृपा गलत है, कृपा ऐसे नहीं लिखा जाता, कृपा क्रय अधापय या। तो अब क्या है, गंध, गंध ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न 4, जो हमारा तलाश है, तलाश, तलाश शुद्ध है तो यहाँ पे तलाश, ऐसे ही हम शुद्ध अशुद्ध लिख देंगे इसमें, ठीक है। प्रश्न 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने पाठ पढ़ा हुआ है, आपको पाठ में से बस आपको याद होगा तो आप इसके उत्तर लिख देंगे, ठीक है। नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, पाठ को दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। क है, दोनों कुत्तों की प्रशंसा किसने की। तो जब दोनों कुत्तों ने अब पुल समझदारी से पार किया था तो दो आदमी खड़े थे तो उन्होंने उनकी तारीफ की थी ना, तो आदमी ने। सहयोग का महत्व, कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस जो आप ये जो पाठ है हमारा सहयोग का महत्व, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों
का सहयोग करना चाहिए, का सहयोग करना चाहिए या दूसरों की सहायता करनी चाहिए। महात्मा जी क्या करते थे? तो जो महात्मा जी हैं वो क्या करते थे? लोगों की परेशानियां दूर करते थे। दीनू ने महात्मा जी के पास आने का क्या कारण बताया? दीनू ने महात्मा जी को बताया, वह बहुत गरीब है, आप मेरी गरीबी दूर कर दो। तो वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अमीर बनने के लिए किसके पास आया था? महात्मा जी के पास। तो ये हमारी वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।